भौतिकवादी व्यक्ति के सामने कृष्ण की बात करो, बताइए आप मुझे, बोले आया थोड़ी होता है कृष्ण की बात हटे थोड़ी कर सकते हैं। नहीं ठीक है मैं एग्री करता हूं, अगर तुम्हें पता है कि तुम मरोगे कब तो सिर्फ उसी टाइम बात करना जब मरने की तैयारी हो, मैं एग्री करूंगा उस टाइम। अगर तुम लिख के दो कि इस टाइम पे मैं शरीर त्याग दूंगा, क्योंकि क्या पता, जैसे आज अभी कुछ दिन पहले जो हमारे डिजाइनिंग करते थे कुरुक्षेत्र के अंदर एक डिवोटी थे, उनकी मदर 4:45 बजे सुबह बोलती है मुझे सांस नहीं आ रहा, 2 मिनट मर गई। कितने मिनट में? 2 मिनट में। अस्पताल भी गया दूर, सिर्फ ये कहा, बोले 4:45 बजे करीब कहा कि मुझे सांस में डिफिकल्टी, बस इतना ही बोला, सांस में तकलीफ और वो तकलीफ हो गई, गई। पता नहीं लोग तो ऐसे बोलते हैं, या तो जो आदमी होता है बोलता है मैं यमराज का दामाद हूँ, जैसे बीवी उसकी यमराज की पुत्री है, फिर मरूंगी, मरेगा नहीं, बता के मारूंगा तुझे। इसीलिए भगवान क्यों कहते हैं, भगवान हमारी भले के लिए कहते हैं, तस्मात सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, सारे काल में मेरा स्मरण कर। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं तुझे बता दिया मृत्यु तेरी कब होने वाली है, तू जी नहीं पाएगा, तू मर जाएगा वैसे ही। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे, तू तैयारी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करी जाती है, तैयारी भी नहीं कर पाएगा। तो भक्ति में क्या होता है कि आपको भक्ति के टॉपिक्स में शुरू में, डिवोटी का बता रहा हूं मैं, जो डिवोटी है, शुरू में नींद नहीं आती लेक्चर के अंदर, बड़े ध्यान से सुनते हो, सब कुछ करते हो, आस्ते आस्ते देखोगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, उन टॉपिकों के अंदर नींद आनी शुरू हो जाएगी। उसका मतलब बेटा तू नराधमा की तरफ बढ़ रहा है, तू नरों में अधम की तरफ जा रहा है। एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करें।